हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा सिंह, यूर इंग्लिश टीचर। आज हम क्लास फिफ्थ के चैप्टर फाइव को स्टार्ट करेंगे। फोर तक आपका कंप्लीट हो गया था। तो चैप्टर फाइव आपका है द केव ऑफ द थाउजेंड ट्रेजर। केव माने होती है गुफा, और थाउजेंड माने होती है हजारों, ट्रेजर माने होती है संपत्ति, हजारों संपत्तियों की गुफा। इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गुफा बनी हुई है। एक आदमी पहरेदारी कर रहा है। आप देखते हैं आगे होता क्या है। वंस अ मैन वॉज वॉकिंग ऑन अ माउंटेन। वंस माने एक बार, अ मैन एक आदमी वॉज वॉकिंग जा रहा था ऑन अ माउंटेन एक पहाड़ पे। व्हेन ही फाउंड जब उसने देखा एन इनक्रेडिबल केव। इनक्रेडिबल माने बहुत बड़ी, अद्वितीय, अजीब सी, बहुत अच्छी सी, बहुत बड़ी सी केव माने गुफा को। स्टोर्ड इनसाइड जिसके अंदर, स्टोर्ड माने भरा हुआ था, इनसाइड माने अंदर, वर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीजर हर तरीके की संपत्ति एंड प्रेसियस स्टोन और बहुत ज़्यादा प्रेसियस माने होता है कीमती स्टोन्स माने पत्थर। एंड व्हेन ही साइड जब उस आदमी ने देखा द मैन कंसील्ड द केव एंट्रेंस। उस आदमी ने कंसील्ड माने छुपा दिया, केव माने गुफा का, एंट्रेंस माने जाने का रास्ता। एंड स्ट्रीट देयर वहाँ खड़ा हो गया गार्डिंग इट, उसकी ये पहरेदारी करने लगा। फ्रॉम डैट डे ऑन उस दिन से द मैन वुड हाइड ऑल द वैल्यूबल्स इन द केव। उस आदमी ने क्या करा, हाइड माने छुपा दी ऑल द वैल्यूबल्स सभी कीमती चीज़ों को इन द केव माने गुफा में। एंड टू अवॉइड एनीवन सस्पेक्टिंग ही वॉज रिच, और इस तरीके से अपने आप को छुपा लिया कि कोई सस्पेक्टिंग माने कोई शक ना कर पाए कि ही वॉज रिच, बहुत अमीर है। ही गेव अप हिज जॉय, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, जो अपना घर छोड़ दिया, एंड हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को छोड़ दिया, वहाँ पे उसकी गुफा की गार्डिंग करने लगा, मतलब उसकी रखवाली। ही कॉन्स्टेंटली मतलब बहुत अपनी पूरी इच्छा से वॉच द अप्रोचेस टू हिज केव, उस गुफा के बाहर खड़े होकर वो वहाँ कौन आ रहा कौन जा रहा, इस लोगों के अप्रोच को देखने लगा। वांटिंग नो वन टू फाइंड आउट, वो चाहता था कोई भी इंसान, नो वन माने कोई भी नहीं, फाइंड आउट माने पता लगा पाए अबाउट इट उस ट्रेजर के बारे में। एंड फियरिंग थीव्स, और उसे किसका डर रहता था, चोरों का भी, कि चोर आके गुफा से सब संपत्ति ना डूब लें। ही गार्डेड अ केव होल नाइट थ्रू, इसलिए वो पूरी रात जाकर उसकी रखवाली करता था। ही वॉज सो डेडिकेटेड टू द केव, वो उस गुफा के लिए इतना समर्पित था डैट ही हार्डली एट और ड्रिंक, कि वो खाना भी नहीं खाता था ना ही पानी पीता था, अपने काम में ही लगा रहता था। बिफोर लॉन्ग जब ये बहुत तक ऐसा होने लगा ही फेल इल, तो वो बीमार पड़ गया। मैनी डेज पास, बहुत दिन निकल गए। ही गॉट थिनर एंड स्टिकर, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था इसलिए वो पतला हो गया, बीमार हो गया। लॉसिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, की सब स्ट्रेंथ माने शक्ति जो थी लॉसिंग माने खत्म हो गई। एंटिल जब तक कि ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग, वो मरने की स्थिति में नहीं पहुँच गया। तब क्या हुआ, वन डे जब वो मरने की बिल्कुल स्थिति में पहुँच गया, तो एक दिन व्हेन ही कुड नॉट हार्डली मूव एट ऑल, जब वो बहुत मुश्किल से जरा सा भी मूव माने हिल पा रहा था, ही रियलाइज, ने रियलाइज किया डेट की इट वॉज हिज ग्रीड, ये उसका लालच था विच हैड ब्रॉट हिम टू दिस एक्सट्रीम एंड, जिसने उसको इस कंडीशन में पहुँचाया। ही नाउ बाय अब अंडरस्टूड, समझ चुका था डेट कि गार्डिंग इज ट्रीजर, अपनी संपत्ति की रक्षा, उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए हैड बीन नोन ऑफ यूज, जो उसके लिए किसी यूज की नहीं है अब, एंड नो गुड, और ना ही उसकी कुछ भलाई की है वाट सो ओवर, उसकी रक्षा करने के लिए उसकी ऐसी कंडीशन हो गई। जस्ट बिफोर डाइट, मरने से पहले ही डिसाइडेड टू शेयर इट विद अदर्स, ने सोचा कि मैं इस संपत्ति के बारे में और लोगों से शेयर करूँ। ही क्रॉल्ड, क्रॉल माने था रेंग रेंग कर, मतलब गिर गिर कर टू द केव, इन टू द केव वहाँ पहुँचा टू गेट अ हैंडफुल ऑफ ज्वेल, और उसने थोड़े से ज्वेल्स माने होता है रत्नों को, हीरे जवाहरात जो रत्न होते हैं उसको उठाया हाथ में भर के। बट डिस्कवर्ड, लेकिन उसने क्या देखा, टू हिज हॉरर दैट द केव वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, कि वो एकदम देख के सन्न रह गया कि वो जो केव थी वो पूरी तरीके से एम्प्टी माने खाली हो गई। ऑल ही कुड फाइंड वॉज ए स्मॉल इमराल्ड, उसे एक इमराल्ड होता ग्रीन कलर का एक स्टोन, बस उसे एक इमराल्ड मिला जो ग्रीन कलर का स्टोन था, विच हैड ओनली अ डल शाइनिंग टू इट, जिसके अंदर बहुत डल तरीके की शाइनिंग, मतलब भद्दी शाइनिंग थी। द मैन टुक इट, आदमी ने वो उठाया एंड लेफ्ट द केव, ऑफ केव छोड़ दी, इंटेंडिंग टू गिव इट टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन टू कम बाय, उसने सोचा जो भी इंसान अब बाहर आएगा मैं उसको वो दे दूंगा। सून अ वुमन अप्रोच, देखा उसने एक औरत आई, एंड शी एक्सेप्टेड द इमराल्ड, और उसने वो ग्रीन पत्थर को एक्सेप्ट किया विद ग्रेट जॉय, बहुत खुशी से। द मैन आस्क्ड सेड टू हर, आदमी ने उसे कहा आई वुड हैव गिवन यू मैनी मोर ट्रेजर, मैं तुम्हें और भी बहुत सारी संपत्ति को देना चाहता हूँ माई डियर, बट आई डोंट नो वेयर दे वेंट, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर की संपत्ति सब कहाँ चली गई। दिस इज़ ऑल आई हैव लेफ्ट, बस यही बचा था मैं तुम्हें देता हूँ।
तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं वो वुमन उससे क्या कहती है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।